वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडमार्क की ईयरिंग क्यों रखी जाती है, कैसे अटेंड करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों को हमें बताना है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडमार्क ईयरिंग अगर आपको आपके ट्रेडमार्क को लग गई है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपने जो ऑब्जेक्शन का रिप्लाई दिया था उससे ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ, और ऑफिसर का ये मानना है कि ये ट्रेडमार्क आपको नहीं देना चाहिए। तो वो आपको एक मौका दे रहा है जिसमें ईयरिंग है, जिसमें आपको ये ऑफिसर को एक्सप्लेन करने का चांस मिल रहा है कि आपको ट्रेडमार्क क्यों मिले। अब ईयरिंग मोस्टली एक ही बार मिलेगी। अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया तो आपको मिल जाएगा। अगर ऑफिसर ने, कई बार ऐसा होता है, मैंने इतनी सारी ईयरिंग्स अटेंड की है अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, तो हम अगर कोई, कई बार ऐसा होता है कि ऑफिसर को जब हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो हम उसके लिए थोड़ा वक्त ले लेते हैं। तो दूसरी ईयरिंग भी होती है, तीसरी ईयरिंग भी होती है, दो तीन ईयरिंग्स होती है। अब ईयरिंग में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है, वो ऑफिसर को कन्विंस करना होता है कि ये ट्रेडमार्क क्लाइंट को मिलना चाहिए। अब हम लोग पहले से स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं कि ईयरिंग में बैठे और जो मुँह में आया वो बोल दिया, ऐसा नहीं होता। तो जब मुझे कोई क्लाइंट बोलता है कि समीर सर आप मेरा ट्रेडमार्क का ईयरिंग अटेंड करो, तो सबसे पहले मैं जाके देखता हूँ कि उसको ऑब्जेक्शन कौन से सेक्शन में लगाए, सेक्शन 9 में लगाए या सेक्शन 11 में लगाए। उसके बाद में अगर उसको सेक्शन 11 में ऑब्जेक्शन लगाए, मतलब उसके ट्रेडमार्क किसी और के ट्रेडमार्क से मेल खाता है, तो किन लोगों के ट्रेडमार्क से उसका ट्रेडमार्क मेल खाता है ये भी मैं स्टडी करता हूँ। उन लोगों का जो है वो एप्लीकेशन नंबर चेक करता हूँ कि उनका भी ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टेड है, अबैंडन्ड है, ऑपोज्ड है या रजिस्टर्ड है। उसके बाद मैं ये चेक करता हूँ कि जो मेरे क्लाइंट का जो सर्विसेज है वो क्या उस जो कॉमन ट्रेडमार्क है जो मेल खा रहा है उसकी सर्विसेज से सेम है या अलग है, ये भी मैं चेक करता हूँ। इसके बाद में मैं ये चेक करता हूँ कि मेरे क्लाइंट का लोगो किस तरीके का है और सामने वाले का लोगो किस तरीके का है। इसके बाद में मुझे काफ़ी सारी आइडिया मिल जाती है कि सामने के हमको ये ट्रेडमार्क ईयरिंग के बाद क्या हम कन्विंस कर सकेंगे ऑफिसर को या नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा मैं अपनी टेक्निक के हिसाब से क्लाइंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाता हूँ। वो क्या डॉक्यूमेंट्स मंगवाता हूँ वो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता। डॉक्यूमेंट्स मैं मंगवाता हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसको ईयरिंग से पहले अपलोड करते हैं, और उसके बाद जब हम ईयरिंग में जाते हैं तो ऑफिसर इतना खुश होता है कि हाँ हम प्रिपेयर्ड आए हैं। ईयरिंग का ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, 1500 से 2000 रुपये में ईयरिंग हो जाती है। तो मेरी तो राय आपको ये कि आपको अगर आपका ट्रेडमार्क चाहिए तो आपको ईयरिंग के लिए अगर मौका मिला है तो आपको ट्रायल एंड एरर करने की जगह नहीं होता ईयरिंग। आप ट्रायल एंड एरर बहुत सारी चीज़ों में करते होंगे कि मैं खुद इसको कर लूँ, मैं जुगाड़ कर लूँ, लेकिन इस मामले में आपका एक ट्रेडमार्क आपके लिए लाखों करोड़ों रुपए की कीमत रखने वाला हो सकता है। तो बेहतर है कि आप उसको किसी प्रोफेशनल को दीजिए, ना कि खुद उसके ऊपर कोशिश करके उसे ख़राब कर दें। तो ट्रेडमार्क ईयरिंग्स जब हम अटेंड करते हैं तो हम लोग इतना श्योर होते हैं कि हम उसको लेके ही रहें, ऑफिसर को कन्विंस करके ही रहें, क्योंकि हम लोग लास्ट 14 ईयर्स से एक्सपीरियंस्ड हैं। तो क्या आपका भी ट्रेडमार्क ईयरिंग के लिए आया है, आपको उसके लिए हेल्प चाहिए, कुछ पूछना है आपको, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।